ईशान किशन एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं और इसकी वजह है उनकी तूफानी पारी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हाल ही में बूची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड को जीत दिलाई थी। ईशान ने मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक लगाकर टीम को चैंपियन बनाया। ईशान की इस पारी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का मानना है कि इस खिलाड़ी की टीम इंडिया में वापसी होना अब मुश्किल है। बासित अली ने अपने YouTube चैनल पर दावा किया है कि ईशान की टीम इंडिया में वापसी होना लगभग नामुमकिन है। बासित ने कहा कि ईशान किशन को अब IPL पर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तक भी उनकी टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है। फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ईशान किशन पिछले साल हुए साउथ अफ्रीका दौरे से ही टीम इंडिया से बाहर हैं। वो साउथ अफ्रीका दौरे को बीच में ही छोड़कर आ गए थे, जिसके बाद से उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है। ईशान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया और अब वो बूची बाबू टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। माना जा रहा है कि वो रणजी ट्रॉफी में भी झारखंड की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। ईशान ने आखिरी बार रणजी ट्रॉफी मुकाबला 2022 में खेला था, 2023 में उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वैसे बासित अली का दावा हवा हवाई ही नजर आता है। ईशान किशन के टैलेंट से टीम इंडिया वाकिफ है और अगर उनका बल्ला रन बरसाता रहा तो ये खिलाड़ी टीम इंडिया में वापसी भी कर सकता है। टीम इंडिया को अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज खेलनी है। अगर सीनियर खिलाड़ियों को आराम मिला तो ईशान भी इस सीरीज में नजर आ सकते हैं, लेकिन वापसी के लिए उन्हें लगातार ताबड़तोड़ रन बनाने होंगे।